गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन और फिलर्स से रिलेटेड कुछ प्यारे से सेगमेंट्स पे। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का ये सेशन हमारे लिए कैसे वैल्यूएबल बनने वाला है। आज के इस सेशन में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस बैंक एग्जाम से रिलेटेड रखे हुए हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो सारे ही अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, SBI को सेंटर में रखा गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैक्सिमम मैं उन पर बात करने वाला हूँ। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। सो आर यू रेडी गाइज, क्या सभी तैयार हैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए? यस ऑर नो, फटाफट बता देंगे चैट बॉक्स में। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड भी बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देना भाई, अगर दिल कहे तो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला दो, जिससे ये सेशन हर एस्पिरेंट तक पहुंच सके। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट्स। आपको क्या करना है, फटाफट देखना है इसमें क्या प्रॉब्लम है और पिक कर देना है अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चल अच्छा, स्टेटमेंट अगर हम देखें, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल स्टेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद द आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट्स। प्रैक्टिकल सी बात यह है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये फॉलो करेंगे हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच से, चाहे वो नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, चाहे वो इधर और हो, चाहे वो नीदर नॉर हो, ये हमेशा फॉलो करते हैं किससे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच से फॉलो करते हैं। मतलब क्या, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही बट ऑल्सो के बाद आएगा। अब देखो, नॉट ओनली के बाद इक्विप्ड लिखा है और बट ऑल्सो के बाद विद लिखा है। यहां पे कोई भी ऐसा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है जिसके पहले आप बट ऑल्सो को रख दो, क्योंकि यहां आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, कोई पास्ट फॉर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो अब प्रैक्टिकल सी बात यह है, हमें नॉट ओनली को की पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इक्विप्ड के बाद अगर नॉट ओनली को रखें तो नॉट ओनली के बाद भी विद और बट ऑल्सो के बाद भी विथ। ठीक है, सो दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद ऑल स्टेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट्स। तो एक्चुअल में जो हमारा आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं उनका सिक्सर लग चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, No method of making other people agree to your viewpoint is as effective as this method. मतलब और कोई भी ऐसा method नहीं है जो इतना effective हो जितना कि ये method है, अपने point of view, अपने दृष्टिकोण को लोगों के समझाने का। और कोई method इतना important नहीं है जितना कि ये। ठीक है, फटाफट देखिए और pick करिए answer। सबसे ज़्यादा effective method है, बिल्कुल पहले हमने किए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल। जब एक ही टाइप की दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं ना भाई, तो नो मेथड नहीं आएगा बल्कि नो अदर मेथड आएगा, नो मेथड नहीं बल्कि नो अदर मेथड आएगा। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नाम नहीं ले रहा, इट्स अ प्रीमियर सेशन, सबसे पहले ये समझिए एक प्रीमियर सेशन है। ठीक है, मैं आपके साथ ही हूँ, आपके साथ चैट बॉक्स में ही हूँ, सबके आंसर्स कंटिन्यू देख रहा हूँ। ठीक है, आपके साथ में ही जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अगला जो वैसे तो लाइव ही रेगुलर रहते हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन प्रीमियर है आपका। ठीक है, इसलिए मैं नाम ले लिया।
समझ गए ना भावनाएं? हाँ ओके, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्वेश्चंस पे आज पूरी तरह से, और जो भी कोई डाउट रहेगा तुरंत ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी जुड़े हुए हैं ग्रुप में, इंग्लिश का जो सेंट्रल ग्रुप है महिंद्रास का, उसमें कहीं भी आप अपना क्वेश्चन आस्क कर पाएंगे, ठीक है। चल कमेंट बॉक्स में भी आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो जब सेम टाइप की चीजों का कंपैरिजन होता है तो नो मेथड नहीं बल्कि अदर का यूज करेंगे, नो अदर मेथड आएगा वहां पे। सो एक्चुअल में जो हमारा आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट, नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। मतलब और कोई भी मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरों को अपने पॉइंट से एग्री कराने का जितना कि ये मेथड, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट पार्ट जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट पिक किया है नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है, और जिन्होंने नहीं किया वो परेशान नहीं होंगे। अगला करेक्ट होगा, आई वॉज प्रेटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज फॉर चेंजिंग द एज लॉन एंड स्टैटिक व्यू स्ट्रक्चर ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर, बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड एवरीवन, चल आई वॉज प्रेटी श्योर that he would support my views for changing the age-long and static structure of our organization. अब एक practical सी बात ये है कि views के साथ for नहीं, views के साथ on आता है। Views on something, आपके जो views हैं किसी चीज पे है ना, तो simple सी चीज है, view for नहीं बल्कि view on आता है, view is always followed by on, and if view is followed by on, in that the particular case we need to use on here. यहाँ पे हमें ऑन का यूज करना है, और अगर हमें यहाँ ऑन का यूज करना है तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या जाएगा, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट पूरी तरह से करेक्ट होगा। आई वॉज प्रेटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माय व्यूज ऑन चेंजिंग द एज लॉन्ग एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैं पूरी तरह से श्योर था कि वो मुझे सपोर्ट करेगा मेरे जो व्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पुराने स्ट्रक्चर्स को चेंज करने के, उस पे वो मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा इसलिए बंदा कह रहा है ऐसा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माय पेपर बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैड अग्रीड टू कीप क्वाइट। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड, फटाफट पिक कर देंगे आंसर। अच्छा, मुझे अपने पेपर पे उसकी कमेंट पसंद नहीं थी लेकिन मेरे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था क्योंकि मैंने पहले ही अग्री हुआ था मैं इस चीज पे कि मैं चुप रहूंगा। एक्चुअल में पास्ट टू पास्ट ही स्ट्रक्चर जाता है, तो फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड भी सही, कमेंट ऑन माय पेपर, बट आई हैड नो अल्टरनेटिव। अगर हैज या हैव होता तो गलत होता, हैड तो सही, एज आई हैड अग्रीड क्योंकि मैं पहले ही अग्री हो गया था कि मैं चुप रहूंगा, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिकल सी बात अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट भी सही है, सेकंड पार्ट भी सही है, थर्ड भी और फोर्थ भी, और अगर जब सारे पार्ट सही होते हैं तो आंसर वो होता है जिसकी हम उम्मीद बहुत कम करते हैं, दैट इज वॉट नो एरर। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा नो एरर, फिफ्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन एरोडेड कंसिडरेबली, ठीक है। तो रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में, उसको काफी हद तक घटा दिया गया है, कम किया गया है। एरोडेड मतलब कम करना, घटाना। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सी बात समझेंगे, द रिपोर्ट इज कैंडिड,
बिल्कुल आंसर देख पा रहा हूँ मैं सभी के, वेरी गुड एवरीवन। रिपोर्ट से स्पष्ट है दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट है, वही तो कम किया गया है ना, रोड मीन्स घटाना कम करना, वही कम किया गया। और अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है भाई, इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं लिखा ना, इन्वेस्टमेंट लिखा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है तो हैव आएगा हैज आएगा, जल्दी से बताओ, हैव आएगा हैज आएगा, हैज आएगा। हैज बीन इरोडेड कंसिडरेबली, मतलब काफी हद तक गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो काफी हद तक घटाया गया कुछ हद। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ पार्ट। वैसे अभी कोविड की वजह से बढ़ी गया इन्वेस्टमेंट, लेकिन उससे पहले क्या कंडीशन थी वो तो आप जानते हैं, वो सारी चीजें सामने आई कोविड के टाइम में। चलिए नेक्स्ट वन, आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। कोई पुराना घर होता है तो उसके दरवाजों की हालत भी बुरी होती है, दरवाजे खिड़कियां मतलब जंग लगा हुआ खिड़कियों पे, शीशा टूटा हुआ विंडोज का, और जब हवा चलती है ना तो जो रैटलिंग की आवाज आती है ना, खड़खड़ाहट, उसी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक पुराने घर की टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, जब हवा चलती है तो सारी विंडोज जो है रैटलिंग का साउंड करती है, खनखनाहट का साउंड करती है। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। ओके अच्छा, एक चीज समझना यहाँ पे, आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर, अ टॉप फ्लोर होगा या द टॉप फ्लोर होगा, बताओ सर। टॉप बॉटम इन सारे वर्ड्स के साथ क्या आता है, द आता है ना, प्रैक्टिकल सी बात समझना। बिल्कुल, फिजिकल प्लेसेस जितने भी हैं जैसे टॉप बॉटम, इन सब के साथ हमेशा अ नहीं बल्कि द आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। ठीक है, सो आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोस ऑल द विंडोज रैटल, कुछ ऐसा। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट, वेरी गुड एवरीवन। हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हिच कम्स वंस इन अ व्हाइल। अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचता तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देता जो कि लाइफ में कभी कभी इंसान को मिलती है। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर, मतलब उसने मिस नहीं की अपॉर्चुनिटी तो इसलिए पास्ट की बात बोली जा रही। अच्छा एक चीज समझना, परफेक्ट कंडीशनल टेंस है। हैड ही नॉट रीच्ड, हैड ही को इफ ही हैड से रिलेट कर सकते हैं, इफ ही हैड से रिलेट कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, जो इसका मीनिंग है वही इसका मीनिंग है, सेम सेम मीनिंग रख रहे हैं। और अगर ये सेम सेम मीनिंग रख रहे हैं तो प्रैक्टिकल सी बात ये है, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम, इफ ही हैड नॉट रीच्ड इन टाइम, He would have missed a golden opportunity which comes once in a while. अच्छा, वो opportunity miss कर देगा, आगे general बात हो रही है, which comes once in a while, जो life में कभी कभी ही आती है, मतलब सबकी life में ही आती है, ये general proverb की तरह use कर दिया यहाँ पे comes, ये मत सोचना आगे past आया यहाँ present कैसे आ गया सर, ये clause अलग है, ये clause अलग है, ऐसी opportunity जो कभी कभी ही life में आती है, कुछ है सर। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात कि अगर आप पेपर देने टाइम पे ना पहुंचते, पेपर मिस हो जाता आपका, उसी पेपर के थ्रू आपका सिलेक्शन हो गया और 10 साल आपको जॉब करते हुए हो गए, ठीक है, और आप बहुत अच्छी हाई पोजीशन पे पहुंच गए एक बैंक में या कहीं भी, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं अगर वो पेपर उस दिन छूट गया होता आपका तो आप वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते जो लाइफ में कभी कभी ही आती है, कुछ ऐसा। ठीक है, एक पीसीएस ऑफिसर के बारे में कहानी आपने सुनी होगी कि जब वो मेंस का पेपर देने जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी से जा रहा था, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, टकरा गया किसी से। अब क्या हुआ कि उसके पास दो ऑप्शन थे, एक वो हॉस्पिटल जा सकता है, दूसरा वो थोड़ा बहुत पट्टी वगैरह करवा के एग्जाम देने जा सकता है। उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया, आज वो एक आईपीएस ऑफिसर है, समझ रहे हो, सबसे कम उम्र का आईपीएस ऑफिसर, नाम आप बताएंगे चैट बॉक्स में। चल, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, बिल्कुल
First part would be the correct answer. Next one, Ministry of Labor conducts its basic survey on the trade. बिल्कुल last question का answer no error था, structure पूरी तरह से सही था. Ministry of Labor conducts its basic survey on trade unions each year, gathering information with all labor unions as of June 30. फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर. Your time starts now. Very good everyone. Very good. ठीक है. So the Ministry of Labor conducts its basic survey on trade union each year, gathering information with all labor unions. Gathering information with या gathering information about. Gathering जो Ministry of Labor है survey करेगी किस चीज के लिए, जो labor unions हैं उनके बारे में जो information है वो gather करेगी ना, या उनकी information gather करेगी. Information of हो सकता है, about भी हो सकता है, of भी हो सकता है. With तो नहीं होगा ना, about भी हो सकता है, of भी हो सकता है, with तो नहीं होगा. तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट. जिन्होंने भी थर्ड पार्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड एवरीवन, सभी काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं. Stories have always been used as a powerful tool for communicating vital information from one generation to another. Stories हमेशा एक powerful tool की तरह use की जाती हैं, जो क्या करती हैं, information को, महत्वपूर्ण information को एक generation से दूसरे generation तक पहुंचाती हैं. कुछ ऐसा. तो आपका जो actual answer जाएगा, stories have always been used. Stories को हमेशा use किया गया है कैसे? As a powerful tool, एक powerful tool की तरह for communicating vital information from one generation to another. एक generation से दूसरी generation तक एक महत्वपूर्ण information को पहुंचाने के लिए use किया जाता है stories का. तो आपका जो actual answer जाएगा वो क्या जाएगा? Fifth part. ये statement सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसलिए हमारा जो answer जाने वाला है that would be fifth part. Very good everyone. जिन्होंने भी no error pick किया उनका answer correct है. वैसे हम ये बहुत कम ही pick करते हैं. आज नो एरर वाले दो तीन क्वेश्चन निकल चुके हैं अभी तक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर होल्डिंग नॉट ओनली हाई मोरल वैल्यूज बट आल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. हम उनके सभी क्या है, ऋणी हैं कि उन्होंने सिर्फ हाई मोरल वैल्यूज को ही ऊपर नहीं रखा बल्कि डेडिकेटेड सर्विसेज दी ह्यूमन रेस के बेटरमेंट के लिए. कुछ ऐसा. फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अच्छा, एक प्रैक्टिकल सी बात यहां पे समझना. नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला ही लॉजिक है यहां पे भी. देखो, बट ऑल्सो के बाद रेंडरिंग आया है, नॉट ओनली के बाद हाई मोरल वैल्यूज आया है. तो भाई आईएनजी फॉर्म के पहले नॉट ओनली को भी लेके जाओ ना, तभी तो आंसर करेक्ट होगा. सीधी सी बात. सो वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर नॉट ओनली होल्डिंग हाई मोरल वैल्यूज but also rendering dedicated services for the betterment of human race. इससे related, not only but also इससे related, starting में ये question हम लोग कर चुके हैं, तो आसानी से आप लोग approach कर सकते हैं. Question number one में ऐसे ही logic था, same logic यहाँ भी है. Not only but also, either or, neither nor, ये जितने भी correlative conjunctions हैं ये हमेशा same part of speech को लेते हैं. एक के बाद
वर्ब तो दूसरे के बाद भी वर्ब, एक के बाद नाउन तो दूसरे के बाद भी नाउन, एक के बाद प्रपोजिशन तो दूसरे के बाद भी प्रपोजिशन। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज व्हाट, वेरी गुड एवरीवन, आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब बारी आती है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो सभी रेडी हैं फिलर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए? सभी रेडी हैं? यस और नो? यस और नो? फटाफट बता देंगे चैट बॉक्स में, सेशन को बढ़ाते चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलेंगे। अगर मजा आ रहा है क्वेश्चंस में तो लाइक करते चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज अ डैश नॉलेज अबाउट एंसेंट स्क्रिप्चर्स। उसके पास एंसेंट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका अच्छा नॉलेज है, कुछ ऐसे ही कहना चाहता है ना। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, डेलेक्टेबल, प्रोफाउंड, एनरिचिंग, वसीफेरस। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, डेलेक्टेबल मीन्स होता है स्वादिष्ट। अब उसके पास स्वादिष्ट नॉलेज तो होगा नहीं, प्रोफाउंड मीन्स अच्छा नॉलेज, यही आंसर होगा आपका सेकंड पार्ट। जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। एनरिचिंग मीन्स होता है समृद्ध, समृद्ध मतलब किसी चीज का समृद्ध होना, आगे बढ़ना, एनरिच होना, इम्प्रूव होना। ठीक है, वसीफेरस मीन्स होता है शोरगुल पूर्ण, शोरगुल पूर्ण। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज व्हाट, डेलेक्टेबल, डेलिशियस, एनरिचिंग, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, वसीफेरस मींस क्राइंग आउट नॉइजली। ठीक है, इन इंग्लिश आपके लिए सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सेकंड पार्ट, क्योंकि उस बंदे के पास अगर हम बोल रहे हैं ना कि अच्छा नॉलेज है एंसेंट स्कल्पचर्स का, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सेकंड पार्ट। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर एलिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन डैश। आपके जो एलिगेशन हैं, जो दोषारोपण, एलिगेशन मतलब दोषारोपण होता है, किसी को दोषारोपण करना, किसी के ऊपर दोष लगाना, या किसी को किसी चीज के लिए, किसी गलती के लिए वर्दी मानना, दैट कुड बी। तो आपके जो एलिगेशन हैं वो फैक्ट के बेस पे होने चाहिए, ना कि डैश के बेस पे। अब डैश क्या हो सकता है, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। Very good. Surmise. Surmise बहुत ही प्यारा वर्ड है। Surmise means होता है काल्पनिक धारणा। सामने वाला कभी कभी क्या करता है, काल्पनिक रूप से, क्योंकि ये बंदा ऐसा इसलिए ये भी ऐसा होगा, तो ये तो surmise हो गया ना। किसी के साथ कुछ गलत किया, मान लीजिए कोई मेल पर्सन है, अब किसी फीमेल को सारे मेल से नफरत होगी कि सारे मेल्स ऐसे ही होते हैं, या किसी फीमेल ने किसी मेल के साथ कुछ गलत किया तो मेल के अंदर नफरत आ गई, सारी फीमेल्स ऐसी होती। ये होता है सरमाइस, काल्पनिक धारणा, काल्पनिक रूप से जो धारणा बन जाती है उसको बोलते हैं सरमाइस। तो आपके जो एलिगेशन है वो फैक्ट के बेस पे होने चाहिए, ना कि सरमाइस के बेस पे। प्रूफ मतलब जो भी प्रूफ है किसी पर्टिकुलर चीज का, प्रमाण है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन नोन एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। कोई भी पर्टिकुलर प्रेडिक्शन, जो कि प्रेडिक्शन मतलब सामने वाला जो प्रेडिक्ट कर रहा है फ्यूचर के बारे में बता रहा है, दैट कुड बी प्रेडिक्शन। एविडेंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे प्रोजेक्शन मतलब किसी चीज का प्रक्षेपण भी होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एंटीपैथी मीन्स होता है अनिच्छा, अंदर से इच्छा का ना होना, रिकॉर्ड्स तो आपको पता ही। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज वन, आपका जो एलिगेशन है वो फैक्ट के बेस पे होने चाहिए, ना कि सरमाइस के बेस पे, गेस के बेस पे, गेस करना, सपोज करना किसी चीज को, दैट कुड बी सरमाइस। ठीक है, चल, ही स्पेंट होल ऑफ हिज लाइफ इन द डैश द मिजरीज ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल। जो भी गिरे हुए लोग थे, जो भी परेशान लोग थे, दुखी लोग थे दुनिया के, उनकी लाइफ को
उनकी लाइफ की मिजरीज प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ को डैश कर दिया, स्पेंड कर दिया। अब डैश की जगह पे क्या आ सकता है, डिस्ट्रॉइंग, एब्जॉर्बिंग, एडवोकेटिंग या अवॉइडिंग, मिटिगेटिंग, क्या हो सकता है आपका आंसर, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। He spent whole of his life in dash the miseries of downtrodden people. तो कम करना ना, mitigate means क्या होता है, कम करना। Mitigate means क्या होता है, कम करना। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट। Avoid means होता है बचना, absorb means होता है समाहित करना, अपने अंदर समा लेना, destroy मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना, advocate मतलब किसी चीज का समर्थन करना या सपोर्ट करना। तो ये तो होंगे नहीं आंसर हमारे, हमारा एक्चुअल आंसर क्या जाएगा, फिफ्थ पार्ट। ही स्पेंट होल ऑफ हिज लाइफ इन मिटिगेटिंग द मिजरीज ऑफ डाउनट्रोडन पीपल, ठीक है, कुछ ऐसा। फिफ्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, जो भी फिफ्थ पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट सभी का सिक्सर लग चुका है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश क्लाइमेट ऑफ आर टाउन विल हेल्प रिकवर हिज हेल्थ। फटाफट देखिए और पिक करिए, हमारा जो डेस्क क्लाइमेट है टाउन का, वो उसकी हेल्प करेगा रिकवर होने में, कुछ ऐसा। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। जैसे आप कभी पहाड़ों पे जाते हैं अगर, तो वहां का क्लाइमेट जो है काफी प्यारा होता है, काफी शुद्ध वातावरण आपको मिलता है पहाड़ों पे। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। डैश क्लाइमेट मतलब क्या, एंचेंटिंग मीन्स होता है किसी को आकर्षित करने वाला, या एक टाइप से सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करना, एंचेंट करना सामने वाले को, ठीक है, वश में करना, वश में करने के लिए। तो एंचेंटिंग क्लाइमेट तो होगा नहीं। प्रेस्टिजियस मीन्स होता है प्रतिष्ठित, मान सम्मान प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस को रिलेट करेगा, ये भी नहीं होगा। सेलिब्रियस, सेलिब्रियस मीन्स होता है साफ सुथरा। सेलिब्रियस मीन्स क्या होता है, साफ सुथरा क्लाइमेट। एनरिचिंग, एनरिचिंग मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बोला इंप्रूविंग, हाई क्वालिटी, कुछ ऐसा जो इंप्रूव होता जा रहा है। प्रोवर्बियल मीन्स कहावत से रिलेट कर सकते हैं आप, जो रेगुलर बोला ही जाता है, कहा ही जाता है, जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसी कहावतें जो होती है ना, वो जनरली जो कही जाती है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में साफ सुथरा माहौल, अच्छा माहौल, तो सेलिब्रियस वुड बी द करेक्ट आंसर। सेलिब्रियस क्वालिफाई करेगा किसको, क्लाइमेट को। एंचेंटिंग मतलब एट्रेक्टिव एंड प्लीजिंग। प्रेस्टिजियस मतलब होता है रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। सेलिब्रियस मीन्स होता है ऑफ अ प्लेस, प्लेस के लिए यूज करते हैं सेलिब्रियस का। प्लीजेंट टू लिव इन, क्लीन एंड हेल्दी, कुछ ऐसा, जो भी रहने के लिए अच्छा प्लेस है, क्लीन और हेल्दी है। प्रोवर्बियल मतलब वेल नोन, टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब जिसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, ठीक है, जो सब जानते हैं, ऐसी कहावतें जो ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, ऐसी चीजों को प्रोवर्बियल से रिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे। प्रोवर्ब मीन्स होता ही कहावत है, ठीक है। फटाफट बताओ अभी तक का स्कोर कितना है आप सबका, फटाफट बताना शुरू करो, अभी तक का स्कोर कितना है आप सबका। होमवर्क में आपको मिल रहा है आज फिलर से रिलेटेड ही क्वेश्चन, आपको बताना है कि यहाँ पे फिलर में क्या फिल किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर करना है होमवर्क का। कल का जो होमवर्क था, एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स, उसको बोलते हैं ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मीन्स होता है मिलनसार, बंदों के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और बाकी बंदे मतलब जो मिलनसार लोग होते हैं, सोशल लोग होते हैं, सोशियबल होते हैं, एनिमल्स के झुंड के लिए भी ग्रेगेरियस वर्ड यूज होता है, ठीक है। चल, तो कल का सेशन लाइव होगा, पूरी तरह से लाइव होगा। एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कल तो भाई पूरा धमाका होगा।
अलग अलग 4 पैक्स आपको मिलेंगे और सारी चीजों को आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रीअरेंजमेंट, इन चारों सेक्शंस पे कल के सेशन में बात करेंगे इसी टाइम 5:30 PM पे ओनली ऑन महेंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ज्वाइन करना नहीं भूलना है, ऑन टाइम रहना है सभी को लाइव, ठीक है, 5:30 PM पे। आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। अगर सेशन में मजा आया तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल 5:30 PM पे लाइव यहीं इसी महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट यूट्यूब सेशन है तुरंत उसे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।